दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आप जानते हैं भाई रतन टाटा एक बार जर्मनी गए और वहां उन्हें एक गजब का अनुभव हुआ जो उन्होंने वापस आके अपने बाकी साथियों के संग साझा किया। रतन टाटा ने कहा, जर्मनी एक काफी विकसित देश है। काफी लोग सोचते होंगे कि यहाँ रहने वाले लोग एक शानदार जीवन जीते हैं। जब हम हैम्बर्ग पहुंचे तो मेरे सहयोगी एक रेस्टोरेंट में चले गए जहां हमने गौर किया कि रेस्टोरेंट की काफी टेबल खाली पड़ी हुई है। वहीं एक और टेबल थी जहां एक यंग कपल खाना खा रहा था। उस टेबल पर केवल दो खाने के व्यंजन थे और दो बियर की बॉटल्स थी। मुझे ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि भाई इतना साधारण सा भोजन भी कोई रोमांटिक हो सकता है, और क्या ये लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़कर चली जाएगी। दूसरी टेबल पर कुछ बूढ़ी औरतें थी। जब भी खाना परोसा जाता था तो वेटर हर बार उनके बीच में बांट दिया करता था और वो भोजन का पूरा अंश अपनी प्लेट में से खा जाया करती थी। जैसे कि हम सब बहुत भूखे होते हैं, मेरे सहयोगियों ने थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर किया। जब हम लोग वहां से निकले तब वहां टेबल पर खाने का एक तिहाई हिस्सा बाकी था। जब हम रेस्टोरेंट के लिए निकल रहे हैं तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत ने हम लोगों से अंग्रेजी में कहा कि वो हम लोगों से नाराज है। जब इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने खाना बर्बाद किया है। उन बूढ़ी औरतों की बात सुनकर मेरे एक सहयोगी ने उनसे बोला, हमने हमारे खाने के पैसे दिए हैं, आप कोई नहीं होती ये बात हमको बताने वाली कि हमने कितना खाना बर्बाद किया है। भाई ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरतें आग बबूला हो गईं। उनमें से एक ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाया और कुछ ही क्षणों के बाद वहां पर एक आदमी आया जो कि सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से था। सारी बातें जानने के बाद उस ऑफिसर ने हम लोगों पर 50 यूरो का फाइन लगा दिया, यानी कि लगभग 4000 भारतीय रुपए। हम सब लोग शांत हो चुके थे। उस ऑफिसर ने कड़क आवाज में हम लोगों से ये बात बोली, ऑर्डर उतना ही करो जितना खा सकते हो, भले ही पैसे तुम्हारे पास हो मगर संसाधन पूरे समाज का है। ऐसे कई हैं दुनिया में जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, और आपके पास ऐसा कोई कारण भी नहीं है कि आप इसे यूं बर्बाद करें। इस अमीर और विकसित देश की यह मानसिकता देखकर हम लोग काफी लज्जित हो चुके थे। हम लोगों को भी ऐसी मानसिकता अपनाने की जरूरत है। हम ऐसे देश से हैं जो संसाधन में बहुत समृद्ध नहीं है। जब भी हम कभी पार्टी दे रहे होते हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए काफी ज्यादा खाना ऑर्डर कर देते हैं और फिर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। पर हम लोग ये बात नहीं जानते कि भारत में 40% खाना बर्बाद होता है, और वहीं दूसरी ओर हमारे देश में हर दिन 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में सालाना 50,000 करोड़ का खाना बर्बाद होता है। एक विकसित देश सिर्फ पैसों से अमीर नहीं होता, बल्कि एक विकसित देश में नागरिकों की सोच और जिम्मेदारी भी एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए याद रखें, कभी भी खाने को वेस्ट ना करें, क्योंकि जिस खाने को आप बर्बाद कर रहे हैं वो खाना कईयों को नसीब नहीं होता। याद रखिएगा, आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।